हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजाज किचन ट्रेजर ऑफ फूड। और पूजाज किचन में आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा। और इस पिज़्ज़ा की खास बात यह है कि इस पिज़्ज़ा का बेस भी हम घर पर ही बनाएंगे, साथ ही जो पिज़्ज़ा सॉस इसमें यूज़ करेंगे वो भी घर पे ही बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ कैसी लग रही है। तो चलिए देखते हैं। और फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि मैं अपने डिशेस में जो जो इंग्रेडिएंट्स और यूटेंसिल्स यूज़ करती हूँ उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आपको जो भी सामान वहाँ से परचेज करना है आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनाना। फ्रेंड्स, देख लेते हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हम पिज़्ज़ा का बेस भी घर पर ही बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो मैदा का पैकेट। ये मैं 6 जनों के लिए बना रही हूँ। आप जिस हिसाब से बना रहे हैं उस हिसाब से मैदा ले सकते हैं। यहाँ मैंने ऑयल लिया है, जो हम कुकिंग के लिए नॉर्मल ऑयल यूज़ करते हैं वो लिया है यहाँ पे मैंने। यहाँ मैं ले रही हूँ दही, और साथ ही हम लेंगे इसमें सोडा, बेकिंग सोडा है ये, और बेकिंग पाउडर। हमने देख लिया कि पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब हम देख लेते हैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो आज जो हम पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे वो भी घर पे ही बनाएंगे। तो पहले देख लेते हैं पिज़्ज़ा सॉस के लिए हमें 2 प्याज चाहिए बड़े वाले, 1 टमाटर लिया है मैंने, और थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक। पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए भी हम यही सब्ज़ियाँ यूज़ करेंगे, तो इसीलिए मैंने सारी सब्ज़ियाँ एक साथ ही रख ली हैं, 2 टमाटर और 3 प्याज। साथ ही हम लहसुन ले रहे हैं, एक पूरा जो लहसुन होता है उसकी कलियाँ मैंने साफ़ कर ली थी और धो के रखी है। यहाँ मैंने लिया ऑर्गेनो सीड्स, और ये मैंने लिया मोज़रेला चीज़ है ये। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको हमेशा मोज़रेला चीज़ ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये इजीली मेल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका बेस बना लेंगे। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए मैंने ये मैदा जो है वो इसमें डाल लिया, और बीच बीच में मैं आपके साथ सारे टिप्स जो हैं शेयर करती रहूँगी कि हम अपना पिज़्ज़ा और अच्छा और टेस्टी कैसे बनाएं। ये देखिए मैंने मैदा ले लिया है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। मैंने जो बेकिंग पाउडर लिया है, पूरा 1 चम्मच भर के हमने बेकिंग पाउडर लिया है इसमें, और साथ हम इसका डो बनाएंगे ताकि ये इसका जो बेस है बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। तो पहले तो हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, आप देख लीजिए। इस आप मिक्स करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि जितना आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उतना ही आपका बेस जो है सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। मैं इसको इस तरह से दबा दबा के मिक्स कर रही हूँ, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अच्छे बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करना है। इस तरीके से, तो ये देखिए मैंने दूध लिया है, थोड़ा गुनगुना सा दूध है। आप चाहें तो इसमें पानी भी यूज़ कर सकते हैं, पर दूध से इसका जो बेस है बहुत अच्छा और सॉफ्ट बनकर रेडी होगा, इसलिए ही हम इसमें दूध यूज़ कर रहे हैं। दूध भी हमें धीरे धीरे डालना है, ये इसकी सबसे अच्छी टिप यही है कि हमें दूध धीरे धीरे करके, जो भी आप पानी या दूध यूज़ कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे करके इसको मिक्स करते हुए इसका डो हमें बनाना है। इसमें मैंने अभी 1 कप दूध यूज़ कर लिया है, और अभी 1 कप दूध इसमें और अभी डालेंगे। देखिए 1 कप दूध हमने यूज़ कर लिया इसमें, और 1 कप दूध इसमें और डालेंगे। पिज़्ज़ा बनाते समय जो सबसे अच्छी टिप है यही है कि आपको जो
सारा मेजरमेंट है वो बिल्कुल अच्छे से आपको लेना है। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो लगभग बेसन लिया था, उसमें 1.5 कप दूध लिया और 1 चम्मच नमक डाला है उसमें, और दही जो है हमने 5.5 चम्मच डाला है, तेल जो है हमने 4 चम्मच इसमें डाला है। तो अगर आप कम बना रहे हैं पिज़्ज़ा तो उस हिसाब से उस क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, और ज़्यादा बना रहे हैं तो उस समय उस अनुसार उसे बढ़ा सकते हैं। ये लीजिए हमारा ऑलमोस्ट जो बेस, तो ये देखिए जो बेस है उसका डो लगभग रेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा और इसको नीट करते हुए रेडी कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो आटा आपका बच गया है उसको सारा समेट लें। इस तरीके से हाथों से मलते हुए एक बार तो हम नीट करते रखेंगे इसको करके। ये देखिए हमारा डो रेडी हो चुका है, और अब इस डो को हम ढक के लगभग 1 घंटा के लिए रख देंगे। जो प्याज और लहसुन और अदरक थे वो हमने बारीक एकदम कर लिए हैं, और अब चलते हैं इनको तैयार करते हैं फटाफट से। हमने रख दी है गैस पे, और ये ऑयल इसमें डाल देंगे। 1, 2, 3, 4। तो ये हमने जो प्याज लहसुन और अदरक पीसा था इसको गर्म तेल में डाल देंगे। और ये प्याज लहसुन अदरक जो है इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। जी हमने टमाटर और धनिया पीस लिया, और अब चलते हैं अपनी प्याज की ओर। ये देखिए प्याज हमारे काफ़ी देर से कुक हो रहे हैं, और ये हो चुके हैं कुक। थोड़ी देर और इसको हम लगभग 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे हाई फ्लेम पर। देखिए प्याज जो है हमारे कुक हो गए हैं, और बस इसे इतना ही कुक करेंगे। अब इसमें प्याज और ये जो टमाटर है वो इसमें डाल देंगे। अब इसे हमें काफ़ी देर के लिए कुक करना है। फ्रेंड्स ये कुक हो रहा है, और तो अब चलिए इसमें डाल लेते हैं सारे मसाले। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 पूरा चम्मच भर कर, और ये 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच भर कर धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। साथ ही इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, इसको थोड़ी देर हम और कुक करेंगे जब तक इसका ऑयल जो है बाहर दिखने ना लग जाए। तो इसको बंद करके लो फ्लेम पे हमें इसे थोड़ी देर के लिए और कुक करना है। तो फ्रेंड्स काफ़ी देर से हमने इस चटनी को पका चुके हैं हम, जो हमने सॉस बनाई है पिज़्ज़ा की। ये देखिए इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है, सॉस डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर चाहें अगर आप तो डालें, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये सॉस डालने के बाद इसको हम कर लेंगे ढककर कुक 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमने इसको थोड़ी देर पका लिया है, कुक कर लिया है अच्छे से इसको ढककर, और ये हमारी सॉस जो है वो रेडी हो गई है। गैस बंद कर देंगे। हमने 2 चम्मच जो है पैन में ऑयल डाल दिया था, और ये प्याज इसमें डाल दी। इसको हमें हाई फ्लेम पे ही कुक करना है, क्योंकि हमें सब्जियां जो है थोड़ी कुरकुरी रखनी है। पिज़्ज़ा में इनका क्रिस्पी जो लुक होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हम ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। ये इसके जो कुछ कुछ जो हमने पीसेज ऐसे काटे हैं ये अपने आप ही इसके अलग हो जाएंगे।
तो हम ये शिमला मिर्च डाल देंगे जो हमने लंबी लंबी काटी है। ये देखिए हमारी सब्जियां कुक हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून ऑर्गेनो सीड्स और 1/2 टीस्पून काली मिर्च और ये मिक्स कर लेंगे एकदम अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। आपको नमक जो है देख के डालना है क्योंकि हमने जो बेस पिज़्ज़ा का बेस है उसमें भी नमक डाला है और जो सॉस हमने बनाई है उसमें भी नमक डाला है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखते हुए ही नमक डालना है। तो ये मसाले हम इसमें टॉपिंग में दो ही यूज़ कर रहे हैं, नमक और काली मिर्च। और अब इसको लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे ढककर 2 मिनट के लिए। तो ये लीजिए हमारी जो सब्जियां हैं कुक हो गई हैं। हमें इसे इतना ही कुक करना है, ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि हम इसको डालेंगे पिज़्ज़ा में। बस ये हमारी सब्जियां कुक हो चुकी हैं तो ये टॉपिंग भी रेडी है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा डो जो है रेडी हो गया है क्या। ये देखिए डो जो है हमारा काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुका है। हाँ, इसको हम कर लेंगे एक बार नीट। और अब चलिए बनाते हैं पिज़्ज़ा। चलिए फ्रेंड बना लेते हैं। अभी जो हमने डो बनाया था उसका इस तरह से इतना हमें गोला लेना है और इसको गोल बना लेंगे। और अभी इसको रोटी की तरह बेलना है हमें। ये आप पर है कि आप कितना मोटा और कितना पतला पिज़्ज़ा बनाएंगे। जैसा आप पिज़्ज़ा बनाना चाहें वैसा ही उसे बेल लें। सभी किनारों से अच्छे से बेलना है ताकि जो पिज़्ज़ा बेस है वो एकदम अच्छे से कुक हो जाए। तो लीजिए हमने बेल लिया पिज़्ज़ा। और अब ये जो फोक है हम ये फोक ले रहे हैं, इस पर इस तरह से छेद कर देंगे। ताकि ये पिज़्ज़ा जो है अंदर तक सिक जाए इसके लिए इसमें ये छेद किए जाते हैं। तो हम इसे दूसरी तरफ से भी इसका छेद कर देंगे इसमें अच्छे से। ले लीजिए हमने गैस का जो तंदूर है वो गैस पे रख दिया है लो फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए। और ये जो हमारा पिज़्ज़ा है पिज़्ज़ा का जो बेस है वो इस पे रख देंगे इस तरीके से। और इसको कर लेंगे ढककर कुक। सारे जो पिज़्ज़ा बेस हैं वो रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने जो सारे पिज़्ज़ा हैं पिज़्ज़ा के बेस जो हैं वो इसमें डाल दिए थे। तो ये 2 बेस हमने रेडी कर लिए हैं और अब इसका हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स हमने ये जो बेस है रेडी कर लिया है और अब इसमें सारे जो हमने चटनी वगैरह बनाई है वो लगा देंगे। ये मैंने जो पिज़्ज़ा की सॉस बनाई है वो पहले लगाएंगे इस पर। अब लगाएंगे थोड़ी सी सॉस। अब हमने जो ये टॉपिंग बनाई है पिज़्ज़ा के वो इसमें डाल देंगे। आपके अकॉर्डिंग आप इसकी पिज़्ज़ा में जो कोई भी टॉपिंग लगा सकते हैं जैसी आपको पसंद हो। इस तरीके से। और अब इसमें थोड़ा जो हमने ऑर्गेनो सीड है वो इसमें डाल देंगे। और ये हमने जो मोज़रेला चीज़ ली है वो इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो पिज़्ज़ा है वो रेडी है। अब इसको कुक करने के लिए रख देते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 20 मिनट हो चुके हैं कुक करते हुए। तो ये देखिए हमारे पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही अच्छी जो मेल्ट हुई है। चलिए कर लेते हैं, तो अभी इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए रेडी है हमारे पिज़्ज़ा और अभी इसको हम करेंगे कट। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, हमने जो है इसको पीसेस में काट लिया था। फ्रेंड्स आज मेरे किचन में कुछ नन्हे मेहमान आए हैं हमारा पिज़्ज़ा टेस्ट करने के लिए, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए मैं इसको टेस्ट कराती हूँ। कितना टेस्ट है, मजा आ जाएगा। मैं खाऊंगा सारा नहीं, हमको भी देना है थोड़ा। क्या देखते हैं हमारे जो नन्हे मेहमान हैं उनके क्या रिव्यू आते हैं। सो टेस्टी, बहुत मजा आ गया। फ्रेंड्स आप भी अपने घर पे बनाइए। देखिए कितना यम्मी और टेस्टी है। हाँ और सुनिए खाइए। अगर आपको अगर आपको इस वीडियो में हम चाहिए हर वीडियो में, तो आपका एक गोल सेट होता है। अगर आप 1K कर देंगे तो हम हर वीडियो में आएंगे। सो यम्मी, इसके अंदर की चीज बहुत टेस्टी है। आज इन तीनों की डिमांड पे, विशेष इन्होंने डिमांड फरमाइश की थी, इनकी डिमांड पे ही मैंने ये पिज्जा ट्राई करके देखा। अगर आप 1K कर रहे हैं, बहुत क्रंची है, सबसे अच्छी बात है। अगर क्रंची बैट डोमिनोज में भी नहीं होती। हाँ बहुत टेस्टी है। अगर आप 1K करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हम हर वीडियो में आएंगे, ये आप हमारा प्रॉमिस आपसे। तो चलिए देख लिया आपने, हमारे नन्हे मेहमानों को पिज़्ज़ा बहुत ही पसंद आया। तो हम मिल लिया आप लोग मिले हमारे नन्हे मेहमानों से, और इसी तरह से आप भी बना के देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा पिज़्ज़ा, बहुत ही यम्मी बनेगा आपका भी पिज़्ज़ा। तो आप भी ट्राई करके देखिएगा और अपने कमेंट और अपने आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। मिलते हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग सी डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।